एक रात जब दुआ अकेली और खौफजदा सड़कों पर चल रही थी, उसे दो अजनबी मिले जिन्होंने उसे घर छोड़ने की पेशकश की। तुम कहां जा रही हो? आओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। रात की खामोशी को तोड़ते हुए दो मर्द जो नेक नीति का इजहार कर रहे थे दुआ के करीब आए। बातचीत शुरू करते हुए उन्होंने उसे अपनी कार में बैठने के लिए कायल करने की कोशिश की। उनकी मेहरबानी ने दुआ को हैरान कर दिया, लेकिन उसने उन पर भरोसा करने का फैसला किया। जब वो उनके घर पहुंची तो उनकी बेटियों ने उसे गर्मजोशी से खुश आमदीद कहा। ये दुआ है, मैं उसे रास्ते में मिला, उनके वालिद ने तारुफ कराया। दुआ को उनके घर में मेहमान की तरह इज्जत दी गई। खाओ बच्चे, शुरू करो खाना, उन्होंने उसे खाने के लिए कहा। उनकी मेहमान नवाजी ने दुआ को महफूज महसूस कराया। दुआ को साफ कपड़े और आराम करने की जगह दी गई। इसकी झिझक के बावजूद खानदान ने उसे घर का हिस्सा बनाया। रात को दुआ को रूमी के कमरे में सोने की दावत दी गई। अब तुम यहाँ आ गई हो, है ना, तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, मामा यहाँ है, रूमी ने उसे तसल्ली दी। दूसरी तरफ दुआ के असल घर में इसके वालिद मिस्टर असलम गुस्से में थे। है वो मर भी जाए या कहीं भी जाए, मुझे परवाह नहीं। उनकी सख्ती का मुकाबला अजनबी के घर में मिलने वाली मोहब्बत से हुआ। दुआ की माँ फहमीदा बेगम दिलबर्दाश्ता थी और अपने शोहर से रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन मिस्टर असलम ने दुआ के अमाल की मजम्मत की। अगर तुम उस लड़की का नाम लोगी तो तुम मुझ में बदतरीन देखोगी। सुबह होते ही दुआ को अपने मुस्तकबल की गैर यकीनी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। इसका माजी परेशान किन था, लेकिन इसने इस खानदान के साथ बताए गए लम्हात में सुकून पाया। क्या तुम जाग रही हो? फिर ताजा दम हो जाओ, सब लोग नाश्ते के लिए हमारा इंतजार कर रहे होंगे। रूमी के ये सादा अल्फाज दुआ की जिंदगी में वापस आती हुई मामूलियत को जाहिर करते थे। हालांकि अब्तदा में हचकचाहट थी, दुआ ने अपने नए माहौल और मेजबानों की रूटीन को अपनाना शुरू कर दिया। इसके बावजूद कि खानदानी गर्मजोशी थी, दुआ के ख्यालात इसके अपने खानदान के साथ थे। इसके मकदर और उसके खानदान के रिदामल के बारे में उसके अंदर एक वाज़ह तजाद था। फिर भी रूमी के खानदान की देखभाल में इसने अगले कदमों पर गौर करना शुरू कर दिया। इस दौरान दुआ को तलाश करने की कोशिशें जारी थी, हालांकि चिलिंग से भरपूर थी। इसके ससुर जो बीमार थे ने अपने नौकर जाफर को उसे तलाश करने के लिए कहा। तुम्हारे पास आधा घंटा है, उसे ढूंढो। इस जल्दी ने ऊंचे दाव और दुआ को महफूज वापस लाने की बेचैनी को जाहिर किया। खानदान मुआशरती तवक्यात और जाती जज्बात के दरमियान फटा हुआ था। बहसें उठी कि कैसे आगे बढ़ना है, खुशी मनानी है या गम करना है, जो मुआशरती उसूलों और फर्दी हमदर्दी के दरमियान वसीआ तनाजा को अक्स करती हैं।